Now, bond duration can lead to immunization. Duration helps us to immunize investment in bond. अब यह बॉन्ड का वैल्यू अब इसका मतलब क्या? सुनो मैं बताता हूं. फर्स्ट, इफ वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या हो रहा है कि We have to following types of risk. पहले इसका ये risk elimination से होता है और risk elimination से होता है immunization. क्या risk होता है? First is default risk. डिफॉल्ट क्या होता है? इश्यूअर ऑफ बॉन्ड मे नॉट पे. नहीं दे रहा पैसा. ओके, इसी रिस्क को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये तो सिस्टम जो नहीं मिल रही है, भी आज आदमी नहीं दे रहा पैसा. आप वायरस को होते ही आप पैसे को लोगे तो ये तो हमेशा ही चला रहता है. हाँ हाँ, तो वो सही सही जगह पर तलाश करना चाहिए और वो सही 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 जगह रहना चाहिए. हाँ हाँ, कि हमारा हमारा उसे भी नहीं हलक कर लेकिन गलत गलत निकल जाता है. दूसरा होता है इंटरेस्ट वेरिएशन रिस्क. क्या होता है? पहले उसमें एक पॉइंट होता है बॉन्ड वैल्यू में फॉल इफ मार्केट रेट बॉन्ड वैल्यू रिस्क. सेकेंड में होता है इन्वेस्टमेंट रिस्क. रीइन्वेस्टमेंट रिस्क नॉर्मली कंपनी से एनुअल इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स
है ना, अगर एक तलाश में देंगे आपको मैच्योरिटी वैल्यू देंगे तो उसको बोलते हैं क्या, कौन सा रिस्क, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, सॉरी इट्स कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। नॉर्मली कंपनी क्या करते हैं कि हम लोग को एनुअल इंटरेस्ट दे देते हैं। ओके, नॉट इफ वी रिक्वायर अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, है ना, अगर एक अमाउंट ये सो एंड कंपनी इज पेइंग बॉन्ड इंटरेस्ट एनुअली कंपनी बॉन्ड इंटरेस्ट एनुअली क्या क्या होगा, the annual interest received will be reinvested ये समझा, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, फुल एग्जांपल के साथ कि इमिनेशन होता क्या है। हाँ, ये एग्जाम में प्रूफ नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम करते हो तो आपको बैकएंड मालूम होना चाहिए, बैकएंड में क्या चल रहा है, है ना, एक प्रॉब्लम फॉर्मूला होना फ्रंट रन पे होती है ना, फ्रंट रन पे होता है वो, और पीछे से फॉरवर्ड का रिलेशनशिप है, उसकी लॉजिक होती है, तो वो लॉजिक जब तक नहीं मालूम होगा तो फ्रंट रन पे पता नहीं चलेगा। हां, ये सब समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, ये मुश्किल की बात है, लेकिन हमको बैकएंड मालूम है, लोग हमको नहीं पता नहीं कहेंगे एनुअल इंटरेस्ट रेट टू बी इन्वेस्टेड। ओके, नॉट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स, रिस्क की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, रीइन्वेस्टमेंट विल बी एट अ लोअर रेट। आया समझ में? हाँ हाँ, सपोज requires about this 10,000 at end of 5 years, 5 साल तक उसको बेहतर अब अबाउट थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो चलेगा, एंड प्रीवेलिंग मार्केट रेट of interest is 8%. अब मार्केट रेफरेंस 8% है। नाउ इफ हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट नाउ, अब उसको कहना इन्वेस्टमेंट है 5 साल बाद, तो पहले कि उसको अलग अलग हम लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, हमारे बारे में आ रहे हैं, मुझे मुझे दे रहे हैं ये 5 साल बाद मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो हम देखेंगे उसका इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा, तो ये जरा रियल चाहिए उसको, सपोज ही इन्वेस्टिंग इन एक्स एनुअल इंटरेस्ट है 5 टाइम्स, ओके ओके, तो क्या हो रहा होगा, तो ये होगा x into 1.4693 and x hoga
6,800 rupees आ जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,806 इन द मार्केट नहीं है अवेलेबल है मार्केट में 6,806 का दाम मिलेगा है तो ही कैन इन्वेस्ट ₹6,800 तो अगर इन्वेस्ट करता है तो 1.08 × 3 × 5 × 6 × 0 × 9 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1 × 9 × 1
वो ठीक है चेंज कर देते हैं वैसे भी रहने वाले तो वो अपना अपना मेंटेन कर जाएगा ओके सो ही विल बी सक्सेसफुल नाउ ही वांट्स रुपीस 6 सॉरी
amount invested is rupees 6800. Okay. Interest is 8%. What is the fair value of the bond? Okay. Maturity is 6 years and planning horizon is 5 years. Now, first is he can invest in bond. Eliminate interest risk by when duration of bond is equal to planning horizon. ये भी मेजर है, सिंपल है, कोई समस्या नहीं है, हर महीने चल रहा है, हर साल चल रहा है, और लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन आया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसको भी सिस्टमैटिक रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क को, तो अब मैं उसको कैसे एलिमिनेट करता हूं, पूरे एग्जांपल से देखेंगे। लेट अस सी दिस हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। नाउ सी हियर, यू हैव इन्वेस्टेड 6800 इन अ बॉन्ड। नाउ The maturity is six years. Eight percent and a fifty value six eight zero zero into eight percent. Yeah, that is five forty four. So, five forty four, 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 five
क्योंकि आप फेल करोगे, कंपनी तो और भी देने वाली है यहाँ पर, कंपनी देगी 5.5% देगी और 3,800 की फीस वाली देगी आपको, है ना ना, अभी मैं बता रहा हूँ रेट पार, पर हम लोग यहाँ पे फेल कर देंगे, ये हम जाएंगे, हमारा ये एरिया हमारा यहाँ पर लग गया 5-5 साल का, ये एंड है हमारा ब्लॉक है यहाँ पे, ओके ना, आपको अगर अगर करोगे रीइन्वेस्ट करोगे ना, इफ वी रीइन्वेस्ट how much do we get at end of 5 years, तो हमारे कोई 9991 मिलेगा, जैसे मैंने बताया था, हाँ हाँ, कैसे मिलेगा जरा देखो, ये है ना, ये ए वाला हाई फाइव फाइव जीरो है, ये बी वाला ले लो, ये सी वाला, ये डी,
और ये ई और ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड एफ है ना, है ना। अभी यू हैव रीइन्वेस्टेड 544 रुपीस ना आपको, तो ए बनेगा आपका 544 1.08 क्योंकि ये इन्वेस्ट किया है, ये रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा एक साल, ये दो साल, ये तीसरा क्रॉस किया, ये चौथा क्रॉस किया, यहाँ पे एंड होना है। फिर ये जो पैसा वाला है वो तीन साल चलेगा, यहाँ से यहाँ तक है ना। फिर ये जो पैसा है वो दो साल चलेगा सिस्टम में, तो आपको इंटरेस्ट रीइन्वेस्टमेंट वैल्यू लगेगी 544 × 1.08 सी आएगा 544 × 1.08 × 2 डी आएगा 544 × 1.08 × 2 1 और जो पांचवा आएगा पांच साल के एंड में आएगा, हाँ अगर तो इसको 1.08 × 0 आएगा, इंडिया का इसे घाटा नाम करके कैप्चर करके आप क्या होगा, एंड देन वी विल गेट एफ एफ इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अभी वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी कि इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो ये वैल्यू है, जो भी इन्वेस्टर खरीदेगा उसको क्या, जो इन्वेस्टर खरीदेगा उसको क्या मिलेगा, वी विल गेट 544 + 6 × 8 × 1.08 × 2 × 3 × 4 × 544 ओके okay. तो, ये पैसा इसको मिल जाएगा कितना, ना सेवन फोर पॉइंट पैसा ₹11.685 0.28 6.34 0.542 और ये 6.8 × 1.08 × 1.08 9999 और दूसरा क्योंकि
ये जो है ना ये प्लानिंग है, दिस प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू रिस्क. व्हाट ये जो प्लानिंग है इसकी इज सब्जेक्ट टू रिस्क. क्यों? रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट. क्या फ्लक्चुएशन है? क्या फ्लक्चुएशन है बताता हूं. फ्लक्चुएशन ये है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये वैल्यू नहीं होगा इसका, ये 1.10% होगा, 1.1 डिवाइड हो जाएगा ये, है ना? है ना? इसको फिर इतने पैसे नहीं मिलेंगे भाई. He'll not get that much money. हाँ, इसको एक वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये तो रिस्क है वैल्यू इंटरेस्ट पे. अब दूसरा है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ये जो इंटरेस्ट रेट 1.25 हो गया तो ये 6% रीइन्वेस्ट होगा. हाँ, यहाँ पे फायदा होगा तब, क्योंकि 6% वैल्यू ज्यादा आएगी. तो अब इसको एलिमिनेट कर व्हाट. हाँ, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इसका रिस्क है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा आ गया तो ये इसका रिस्क है ना. अब इसको बोलते हैं रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, और इसको बोलते हैं बॉन्ड प्राइस रिस्क. नाउ दिस इज रिस्क, दिस इंटरेस्ट रेट रिस्क. रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड. By making or equating equal करना पड़ेगा, equal करना पड़ेगा. मैंने बताया planning horizon equal to duration of the bond. यह bond portfolio यह आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे ये? How will, we do it? तो इसमें पहले कैलकुलेट करो. हाँ, किसका ड्यूरेशन है? Let us find duration of this bond. इसका ड्यूरेशन हम निकालते हैं. फोर फाइव और स्टोरी किसके किसके की है? कैश इन लोग कंपनी क्या दिया देगी? ये साल साल की होती है, हमको पांच साल में मिलता है ना. अब ड्यूरेशन कैसे चेक कर सकते हैं? फाइव पॉइंट फोर तीसरी बार 5.4 चौथी बार पांचवी बार और कंपनी तो छह बार बनने वाली है. हाँ, और पीवी फैक्टर्स 8% वाले डिस्काउंटेड कैश फ्लोस 8% वाले. तो ये 1/1.08 कर लो तो आता है 0.8857 यहाँ पे 0.794 हम लोग 0.7335 0.681 और 0.630 ये 6 साल की बॉन्ड की तो. हाँ,
और यहाँ पे प्लस हमको मिलेगा 544 into 0.794 3.7 into 0.6826 0.72 It will be 399.94 plus 377.46 plus 466.77 ये बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे, ये मैच्योरिटी के साल वाले बॉन्ड की 6 साल, लेकिन ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, टीई इनटू डिस्काउंटिंग वैल्यूज, डीसीएफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आप 5.3.74 लिया जाएगा।4466.21 into 2 करेंगे 9.32.42 आता है 4.31.94 into 3 तो 1.95 point 8 8 2 3999.84 into 4 तो 1.852 point 33 7.4 6 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
ये वैल्यू आएगी सब। अभी इनको ऐड करो 503.74 प्लस 932.42 प्लस 1295.82 प्लस 1599.36 प्लस 1852.3 प्लस 2776.0.32 करेंगे आप तो आएगा 3399.43.96। अगर है ना ये बॉन्ड का काम क्या है जो ड्यूरेशन मैच करे, आप देखो ड्यूरेशन क्या होगा 3 3 9 4 3 0.96 डिवाइडेड बाय 6 7
तो 4.999 26 आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स। यहां पे ये बॉन्ड हमारे काम का है। क्यों? देखो देखो, अगर ड्यूरेशन 5 इयर्स है, ड्यूरेशन इज 5 इयर्स, एंड इफ our planning horizon is also 5 years, then change in rate of interest will not affect our target amount. We invest rupees 6,000 in 8% coupon bonds. After investment, rate of interest rises to 10%. मतलब क्या होगा? हमारा interest rate बढ़ गया। अब bond का तो आपको पता है, maturity 6 years है, वो same story हुई है। और हमको तो यहाँ पे खत्म करना story, है ना? है ना? पूरा end में जाना है, तो 6 के out पे करना है ना? तो ये 5.44 प्लस वैल्यू, लेकिन रीइन्वेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट, ये ऐसा हो जाएगा, है ना? है ना? ए दूसरा ये क्या हो जाएगा? 5 साल के रेस टू 3 ये क्या आ जाएगा? 5.44 इनटू 1.10 रेस टू 2 रेस टू 1 और ये हो जाएगा। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सी है, व्हाट वैल्यू विल गेट? विल गेट अमाउंट एक्युमुलेटेड एट एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल और 5 साल से भी बहुत ज्यादा की ड्यूरेशन 5 साल है, तो हमको 5 साल में एग्जिट करना है। हाँ, तो 5.44 प्लस 5.44 रेस टू 3 प्लस 5.44 इनटू 2
प्लस 544 इनटू 1.0621 प्लस 544 मिल गया और आपको सेलिंग प्राइस ये बॉन्ड की ना ये 1.80 पहले था अभी 1.10 कर दो 1.10 ये सब एक मिनट प्लस अब है ना सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी 544 7.94 5.94 plus 5.44 plus 6.00 divided by 1.10 plus 6.76 plus 6.76 plus 7.6 plus 7.24 plus 6.88.4 plus 5.98.4 plus 5.44 plus 6.76 plus 6.36 तो ये आपका आता है वैल्यू ये बॉन्ड सेलिंग प्राइस में आई 6666 और यहां पर वैल्यू क्या आई थी हमने ड्यूरेशन पहले निकाल दिया हमको 6666 7 मतलब 124 का घाटा सेलिंग प्राइस में लेकिन इस चिंता मत करो हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो ये पहले वाले 1.08 से हो रहा था और 1.10 था तो रीइन्वेस्टमेंट में फायदा है और सेलिंग प्राइस में घाटा है लेकिन दोनों मिला के एक ही बात हो गई ₹5 का फर्क आ गया ओके व्हिच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट
सो इससे क्या होता है कि इससे हमारा इम्यूनिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जावे, सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स क्या होगा, ये वैल्यू हमारी आएगी ना, ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू ये बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो, और ये वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। फॉलो दिस रीइन्वेस्टमेंट वैल्यू देन मतलब duration is equal to planning horizon. So your target amount will never change. मतलब target amount आपका same आएगा। अभी आपको अगर try करना है तो 5 मिनट लगेंगे हम लोग और 6% वाला ट्राई करते हैं, है ना, है ना, विल ट्राई 6%। व्हाट इफ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स टू 6% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या दशा होगी आपकी, फिर से वही टाइमलाइन हमारी, स्टोरी तो 6 साल की है, बॉन्ड की वैल्यू तो वही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रेट चेंज नहीं होगा भाई, कंपनी ने एक बार बार बोल दिया और बोल दिया, ओके अब ये 544 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड है कि नहीं, ये मिलेगा आपको बराबर बराबर। तो क्या होगा, 544 into 1.06 raised to 4 plus 544 into 1.06 raised to 2 plus 544 into 1.06 raised to 1 plus 544 plus 544 plus, ये तो कंपनी देने वाली है डिवाइड बाय 1.06, तो अब ये ना ये जो 5 वैल्यू पहली ये वैल्यू कम आएगी और इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा आएगी। plus 5.76 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 plus 5.76
544 प्लस 6800 डिवाइड बाय 1.06. अब देखना है कितनी हाई हाई वैल्यू आती है. 6928.3 देखो रिटर्न वैल्यू सेलिंग प्राइस ज्यादा आ गई बहुत.
अभी अभी इनको ऐड कर दोगे आप। ऐड कर दोगे 686.78 प्लस 647.91 प्लस 611.23 प्लस 576.64 प्लस 544 प्लस 6928.3 ये आएगा आपका 9994.86। तो ये आता है 9994 प्लानिंग होराइजन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन का दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यूज ऑफ ड्यूरेशन इसको बोलते हैं। इस पूरी कहानी का नाम है इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनाइजेशन। ओके यस दिस इज कॉल्ड व्हाट? इम्यूनाइजेशन। ओके और इसकी फॉर्मूला है ये। तो ड्यूरेशन है इम्यूनाइजेशन। व्हाट? हाँ अब मैंने स्टार्टिंग की जो थ्योरी को पढ़ लो अब समझ में आया। हाँ स्टार्टिंग में जो मैंने थ्योरी लिखी थी जो शायद लिखी भी हो ड्यूरेशन क्या था? बॉन्ड वैल्यू में फॉल इफ मार्केट इज हाई ना। रिस्क होते हैं बॉन्ड डिफॉल्ट रिस्क होता है और रिस्क होता है और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। तो इनको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो फ्लक्चुएशन आते हैं सब ओवर परसेंट वाइज आते हैं। सो तो ये क्या होता है कि हम लोग ये बताया हमने 8% चीटे की पूरी स्टोरी बताई थी हमने। हाँ तो अभी वो इम्यूनाइजेशन अब उसको इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन वो क्या है? वेयर एंड ड्यूरेशन इज इक्वल टू प्लानिंग हॉरिजन। तो फर्स्ट दो चीजें हमने ड्यूरेशन के बारे में बोली। एक एक चीज क्या? विद द हेल्प ऑफ ड्यूरेशन we can estimate
परसेंटेज इन बॉन्ड प्राइस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकिन नहीं ये समराइज कर रहे हैं जैसे हमने बताया था कि परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट। हां हम क्या था लास्ट में एग्जांपल में ओके ये सेकंड पॉइंट क्या है इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि इम्यूनाइजेशन इज इक्वल टू प्लानिंग हॉरिजन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन से हम लोग इम्यूनाइज कर सकते हैं टारगेट अमाउंट को। टारगेट अमाउंट हमारा सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी कैन हेल्प इट व्हाट इट हेल्प्स इन नॉलेज ऑफ ड्यूरेशन और ड्यूरेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग सिस्टमैटिक रिस्क मतलब रिस्क ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। हाँ तो ये था वन आर का लेक्चर जिसमें आपने आपको क्लियर हो गया कि ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है और ड्यूरेशन से हम क्या फायदे ले सकते हैं। फॉलो दिस और ड्यूरेशन मैच्योरिटी नहीं है, ड्यूरेशन हमेशा मैच्योरिटी इक्वल होता है या मैच्योरिटी से कम होता है। ओके ओके